Good morning to everyone. In this video, start with lecture 9 and we have discussed about additional problem of central. इस वीडियो में इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं एडिशनल प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल इकोनॉमी. जो हमारी सेंट्रल इकोनॉमी है उसकी एक्चुअल में एडिशनल प्रॉब्लम क्या है. लाइक हमने सेंट्रल इकोनॉमी ऑफ प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस. क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है. लाइक हमने डिवाइड किया था व्हाट टू प्रोड्यूस, किसके लिए करना है, फॉर टू टर्म्स में डिवाइड किया था हमने, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स. ऐसे ही उसके अंदर लाइक हम चूज़ करते हैं, गुड्स को चूज़ करना होता है. फर्स्ट कैटेगरी में आपको चूज़ किसको करना होता है, लाइक टू कमोडिटी को चूज़ करना होता है, कंज्यूमर गुड्स लाइक रदर देन कैपिटल गुड्स. और हाउ टू प्रोड्यूस में आपको टेक्नोलॉजी को चूज़ करना होता है, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव. एंड होम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन किसके लिए करना है, पुअर पर्सन के लिए या रिच पर्सन के लिए. इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है. नाउ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था आपको थ्योरेटिकल वे से भी और एक डायग्रामेटिकल वे से हमने प्रेजेंट किया था किस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ टेंडेंसी हमें क्या प्रेजेंट करती है. लाइक हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उन तीन प्रॉब्लम को के अलावा जो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम्स और क्रिएट होती है वो है एडिशनल प्रॉब्लम्स. फोर्थ वन इज़ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इकोनॉमी कहती है कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका फुलर यूटिलाइजेशन होना चाहिए इकोनॉमी में. किस वे से, द अदर मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज़ हाउ टू अचीव फुलर एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्या करना है आपको, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करना है एफिशिएंट मैनर से. लाइक क्या है, जब भी क्या होता है, जब हम रिसोर्सेज का जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका फुलर यूटिलाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, हमारे प्रोडक्शन की ग्रोथ हाई होती है. लाइक इट शोज़ द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट. पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट रेफर्स टू मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट. तो एक्चुअल में पोटेंशियल लेवल क्या होता है, हम प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेंड करते हैं कि इतना प्रोडक्शन हमारा होना चाहिए. इतने अगर लिमिटेड मतलब क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन होगा तो इस तरह से हम इस लेवल पे अपने प्रोडक्शन को अचीव कर सकते हैं. तो एक पोटेंशियल लेवल हमने सेट करते हैं, उस पोटेंशियल लेवल को जो बोलते हैं, हम बोलते हैं मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट, जहां पर हाई लेवल का आउटपुट होता है, प्रोडक्शन होता है, विच कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. और वो किससे होता है, टेक्नोलॉजी का, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका फुलर यूटिलाइजेशन करना, जितना आप उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हो फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप उसका फुलर यूटिलाइजेशन करना. लाइक प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब हम उसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे. एक्चुअली वो क्या कह रहा है, इन दिस फिगर ओ एक्स शो प्रोडक्शन ऑफ वीट. जो ओ एक्स शो कर रहा है वो वीट के प्रोडक्शन को बता रहा है. ओ वाई शो कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ. ओके, जैसे मैंने बताया था पीपीसी कर्व, लाइक मैंने आपको बताया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो हमेशा दो कॉम्बिनेशन को लेकर चलता है, किसी ना किसी दो प्रोडक्ट में कॉम्बिनेशन बना के चलता है. तो लाइक क्या हो गया, वो आपका वीट और क्लोथ. तो लाइक ओ एक्स एक्सिस पे क्या है, वीट, और इस पर क्या है आपका, क्लोथ का प्रोडक्शन हो रहा है. ओके, तो इस रीज़न से आपको क्या करना है, इसका फुलर यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है. लाइक डायग्राम शो कर रहा है आपका ए डी इज पीपीसी. जो ये आपका ए डी कर्व है, आपको क्या बनाना है, एक पीपीसी कर्व बनाना है, उसको बोलते हैं हम ए डी. आपको कुछ नहीं करना, फ्री ऑफ हैंड इसको इस तरह ड्रॉ करना है. तो ये क्या हो गया आपका, ए डी कर्व हो गया, जिसको हम बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. इतने आपका प्रोडक्शन होने की चांस है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करके. ओके, एनी पॉइंट इनसाइड इन दी पीपीसी, आपको दिख रहा है पीपीसी, ये आउटसाइडर लेवल का हो गया, ये इनर साइड का हो गया. पीपीसी के अंदर दो पॉइंट बने हुए हैं एफ एंड जी. तो ये किसको शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अंडर यूटिलाइजेशन मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं उनका सफिशिएंट यूज़ नहीं किया गया, इनसफिशिएंट यूज़ करा है, तो उससे क्या हुआ हमारा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अंडर यूटिलाइज्ड हुआ है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट हुआ है अगर हम इस लेवल पे इसके अंदर ईपीपीसी के अंदर प्रोडक्शन करते हैं तो. लाइक जो पीपीसी कर्व है, पी लेवल पे अगर हम प्रोडक्शन करते हैं इस लेवल पे, जो ये हमारा एडी ड्रॉ हुआ है, तो ये किसको प्रेजेंट करता है, फुलर एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. फुलर, फुल यूटिलाइजेशन होगा, फुल प्रोडक्शन होगा, और एज वेल एज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ओके, तो आपको जैसे भी मैंने बताया था, तो इट शोज दैट दी एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन दी पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट. पोटेंशियल लेवल तो कितना है, जो ए डी प्रेजेंट कर रहा है कि इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन के वजह से कम हुआ है. एफ जी पॉइंट पे जो प्रेजेंट कर रहा है वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन किया गया है, तो इनएफिशिएंट
यूटिलाइज हुआ है रिसोर्सेज का, तो उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या है आपका लेस प्रोडक्शन है, एक्चुअल प्रोडक्शन कम है कंपेरिजन देन पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट. व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एज शोन बाय पॉइंट पी, जो गुड्स और सर्विसेज ये बनी है वो पी पॉइंट को शो कर रही है. पी पॉइंट क्या बता रहा है, ऑन दी पीपीसी, जो पीपीसी पे पी पॉइंट बना है फुलर एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुल यूटिलाइजेशन हुआ है रिसोर्सेज का तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन इस लेवल पे होगा हमारा. नेक्स्ट वन इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ एन एक्सप्लॉयटेड रिसोर्सेज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लाइक नेचुरल गैस, ऑयल, मिनरल रिमेन अनटैप्ड इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज. अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज बेस रिमेन लो ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विल लीड टू लो लेवल ऑफ GDP. ओके, ये कह रहे हैं कि रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन क्यों पॉसिबल है, क्यों होता है रिसोर्सेज का हम अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब जो हमें अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका हम फुल यूटिलाइजेशन क्यों नहीं कर सकते अपने प्रोडक्शन के लिए इफेक्टिवली, उसको क्यों नहीं बना सकते, उसका क्या रीज़न है. लाइक अभी आपको बताया है कि दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू दी प्रॉब्लम ऑफ अनएक्सप्लॉयटेड, मतलब क्या होता है एक्सप्लॉयटेशन होता है हमारा, एक्सप्लॉयटेशन किस रीज़न से होता है अनएक्सप्लॉयटेड, हमें नहीं होता कि हाँ ये रिसोर्सेज वर्क नहीं करेंगे लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं अनएक्सप्लॉयड कर रहे हैं हमें. तो लाइक रिसोर्सेज का जैसे बताया इसमें रिसोर्सेज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है. ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, और किस चीज़ की कमी है, लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लाइक नेचुरल गैस, ऑयल, मिनरल रिमेन्स अनटैप्ड इन लेस डेवलप्ड कंट्री, जो लेस डेवलप्ड कंट्री होती है ना उसके अंदर जैसे नेचुरल गैस, ऑयल, मिनरल रिमेन्स वो इजिली नहीं मिल पाती, ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं हो सकती, अनटैप्ड हो जाती है वो. तो इस रीजन से अकॉर्डिंग रिसोर्सेज बेस रिमेन लो, जो हमारा रिसोर्स बेस पॉइंट है ना, जो लिमिटेड रिसोर्स बेस पॉइंट है और लिमिटेड रिसोर्स का भी फुल यूटिलाइजेशन करना ये बेस हमारा वीक है, तो इससे क्या होता है प्रोडक्शन लो होता है. तो ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इट विल लीड टू लो लेवल ऑफ GDP. तो जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारी GDP है, हमारी कंट्री की GDP है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है लेस इफेक्टिव होता है, उसमें प्रोडक्शन कम लेवल पे होता है. तो नाउ डिस्कस करते हैं डायग्रामेटिकल, एंड इकोनॉमी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंक्रीज सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज. इकोनॉमी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की ग्रोथ किस तरह से होगी, थ्रू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एडवांसमेंट एंड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज. अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे और उससे अपने रिसोर्सेज की ग्रोथ करेंगे, रिसोर्स का इफेक्टिवली मैनर से यूज़ करेंगे, तो क्या होगा एक्चुअल में हमारी रिसोर्सेज की ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होने से इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, तो उससे क्या होगा लॉजिकल अचीवमेंट एंड इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज लेवल पे हमें रिसोर्सेज सप्लाई होंगे. लाइक क्या प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज बाय PPC, लाइक वही है OX एक्सेस पे आप वीट को प्रेजेंट कर रहे हो, OY एक्सेस पे आप क्लोथ को प्रेजेंट कर रहे हो. लाइक क्या है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्चुअल में जो आपके पास स्टार्टिंग में रिसोर्सेज है वो कितने हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज से जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो आपकी PPC है वो है A और B, दोनों कॉम्बिनेशन लगा के O to B आप वीट का प्रोडक्शन कर रहे हो और O to A आप क्लोथ का प्रोडक्शन कर रहे हो, ये है आपके पास जो एक्चुअल में प्रोवाइडेड इनिशियल रिसोर्सेज ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड थे. लाइक अब उसका किस तरह से यूज़ करते हो, फुलर यूटिलाइजेशन हुआ, अंडर यूटिलाइजेशन हुआ, इनिशियल रिसोर्सेज से इतना प्रोडक्शन हुआ, आपने इसमें टेक्नोलॉजी की आपकी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, लाइक आपकी जो भी आपके मटेरियल्स हैं रिसोर्सेज हैं वो आपको इजीली अवेलेबल नहीं हो पाए, तो उससे आपका प्रोडक्शन क्या हुआ A to B. अगर उन्हीं रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन किया जाए तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की ग्रोथ कैसे होगी, हाई लेवल पे प्रोडक्शन कैसे होगा, मूवमेंट कर जाएगा C to D. तो C to D लेवल बता रहा है कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हुआ है, और इनिशियल रिसोर्सेज बता रहा है कि इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हुआ है हमारे रिसोर्सेज का. तो इनिशियल रिसोर्सेज में आपका प्रोडक्शन A और B होगा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में प्रोडक्शन C to D हो जाएगा. तो इन दिस फिगर OX शो प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड OY शो प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ. दिस फिगर शो दैट इन एन इकोनॉमी जनरेट्स मोर रिसोर्सेज, दिस फिगर शो दैट इन एन इकोनॉमी जनरेट्स मोर रिसोर्सेज दैन द लेवल ऑफ प्रमोशन, सॉरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज एंड देयर इज अ राइट वर्ड शिफ्ट इन PPC फ्रॉम AB to CB. ओके, तो OX वही वीट को दिखा रही है, OY क्लोथ को प्रेजेंट कर रही है. दिस फिगर शो दैट इन एन इकोनॉमी जनरेट्स मोर रिसोर्सेज, अगर हम इकोनॉमी के पास क्या होंगे ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, दैन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज,
ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. देयर इज़ ए राइट वर्ड शिफ्ट इन पीपीसी फ्रॉम ए बी टू सी बी. राइट वर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी शो इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. जहाँ पर एक्चुअल में हमें रिसोर्सेज इजीली प्रोवाइड हो जाए, ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगे तो प्रोडक्शन भी क्या होगा ज़्यादा, और कम रिसोर्सेज होंगे तो प्रोडक्शन भी क्या होगा लेस होगा. तो इनिशियल रिसोर्स जो प्रेजेंट कर रही है ए बी तो लिमिटेड रिसोर्सेज को बता रही है, और एक्चुअल जब मोर रिसोर्सेज की ग्रोथ हुई है तो वो हमारे सी और डी लेवल पे शिफ्ट हो गया. ए बी टू राइट साइड में सी टू डी लेवल पे शिफ्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स. अभी तक हमने जो इकोनॉमिक्स में पॉइंट्स पढ़े लाइक फर्स्ट में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, और लाइक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और नेक्स्ट वन ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की ग्रोथ किस तरह से करनी है. ओके तो नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम डिफरेंट इकोनॉमिक्स के अंडर जो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड हुआ है मार्केट इकोनॉमी. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस चैप्टर में रीड किया था मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी वो होती है जो एक्चुअल में फ्री फ्रॉम मार्केट, फ्री फ्रॉम मार्केट, जो मतलब एक्चुअल में जिसका गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता. सेंट्रली जो एक्चुअल में किसके शेड्यूल के बेस्ड पर वर्क किया जाता है, जो सेंट्रल लेवल पे शेड्यूल पास होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्क परफॉर्म करना है. मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें दोनों की परमिशन होती है, इंटरफेरेंस होता है, कुछ लेवल पे तो मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं और कुछ लेवल पे हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं. ओके बट इसके अंदर जो वो काम तो फ्री इकोनॉमी में होता है लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है, बट जो एक्चुअल में सेंट्रल प्लान इकोनॉमी क्या प्रोवाइड करती है, सारे रूल्स रेगुलेशन सेंट्रल इकोनॉमी प्रोवाइड करती है, यही हमने पढ़ा था. तो नेक्स्ट वन इज़ मार्केट इकोनॉमी इज़ ए फ्री इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी को बोलते हैं फ्री इकोनॉमी, कोई भी आए कोई भी जाए, कोई एक्चुअल में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. इन विच सेंट्रल प्रॉब्लम, इसमें जो हमें सेंट्रल प्रॉब्लम दी व्हाट हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, कब सॉरी क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, आर सोल्ड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. तो किसके थ्रू सोल्ड हो सकती है, सोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, मार्केट में सप्लाई और डिमांड को क्रिएट करके हम किसको प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, व्हाट एंड हाउ होम टू प्रोड्यूस. लाइक सप्लाई एंड डिमांड, डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई मेंटेन होगी, लेकिन जब किस जिस पर्सन की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्शन करोगे. व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कैसे बनाओगे, किस चीज़ की डिमांड है, कैपिटल टेक्नोलॉजी की या इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग आप ही उस चीज़ की सप्लाई करोगे. तो इससे क्या हो जाता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है, किसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, और होम टू प्रोड्यूस किसके लिए करना है, इन सब का पहले से एक सर्वेल करना अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द एम्प्लॉय, सॉरी डिमांड ऑफ द कस्टमर. आफ्टर दैट स्टार्ट सप्लाई ऑफ गुड्स. सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी इज़ वन इन विच द सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये भी नेक्स्ट हमारी यही प्रॉब्लम है सेंट्रल लेवल की भी, आर सोल्व बाय द सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट. इसमें किसके द्वारा सोल्व किया जाता है, जो भी ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन को निकालेगा सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, जो भी हमारी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है जिसको हमने अथॉरिटी दी हुई है इस वर्क को करने के लिए, वो हमें एक्चुअल में क्या बताएगी, डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगी, आइडियाज़ बताएगी, अपनी थॉट्स बताएगी कि आपको इस वे से इस लेवल से वर्क करना है. ओके किस तरह से आपको व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस को अचीव करना है, तो ये हमें कौन बताएगी, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन अकॉर्डिंग हमें अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी. नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी इज द वन विच शेयर्स द करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द फ्री एंड प्लान्ड इकोनॉमी. दोनों इंक्लूड होते हैं मिक्स्ड में, फ्री इकोनॉमी एंड प्लान्ड इकोनॉमी. द सेंट्रल प्रॉब्लम्स व्हाट हाउ एंड होम टू प्रोड्यूस आर लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेज बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल जस्टिस. इट मीन दैट डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेज एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंसिडरेशन. ओके तो लाइक इसमें क्या डिस्कस किया गया है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें दोनों की शेयर्स को इंक्लूड करते हैं हम, बोथ द फ्री प्लान, फ्री एंड प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमी एंड फ्री इकोनॉमी. द सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस आर लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट. इसके अंदर तो बिल्कुल हमने फ्री छोड़ दिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे जो फ्री इकोनॉमी होती है ना, वहाँ पे इजीली हम कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. कस्टमर की वांट्स क्या है, उनकी नीड्स क्या हैं, लाइक हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से उनकी डिमांड एंड सप्लाई को हम क्रिएट करें. तो इजीली हम फ्री हैं उसके लिए, तो हम किसी से कुछ भी किस तरह से भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं. बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल जस्टिस,
बट एक्चुअल में बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल जस्टिस. उसमें किसके बारे में बात नहीं करती, सोशल जस्टिस के बारे में बात नहीं करती. एट द कॉस्ट ऑफ सोशल जस्टिस इट मीन्स दैट डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस. तो ये डिसीजन हमने किसके अकॉर्डिंग करा, मार्केट फोर्स अकॉर्डिंग एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंसिडरेशन. जहाँ पर उसके साथ साथ हमें किसके बारे में सोचना है, सोशल कंसिडरेशन के बारे में, मतलब सोशल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, सोसाइटी को भी उसके बदले में कुछ रिसीव होना चाहिए, उसके बारे में आपको बात करनी है. ओके, थैंक यू.